जब आप पेपर बना रहे हैं, तो भाई जो यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं लाइव, सॉरी मैं आपके कमेंट्स को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए प्लीज लिसन टू मी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, यूट्यूब वाले लोगों को। एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप इस कंप्रिहेंशन को देखो, अगर कंप्रिहेंशन पहले क्वेश्चन से सेट किया हुआ है, तो क्या ये कंपल्सन है कि आपको पहले इसको बनाना ही है? ये कंप्रिहेंशन छोटा नहीं है। हाँ, एक पॉजिटिव चीज था कि ये आर्टिकल आप पहले पढ़े हुए थे, तो ये कि आपके पढ़ने में या आपको टाइम नहीं लगता, आपको याद आ जाता कि हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था, कहां से है ये, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर आप एग्जामिनेशन में हो, तो देखो कुछ चीजों को आप रियलाइज करो, आपको मार्क्स कितना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। दूसरा कि कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में ऐसे होते हैं कि जब आप उसको बना रहे हो, सेंटेंस पढ़ रहे हो, तो एक्चुअली आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, और इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। बट मैं दो चीजों के बारे में बात करूं, सेंटेंस अरेंजमेंट और कंप्रिहेंशन में ऑप्शन पे टिक करने के पहले आपको बहुत सारे प्रिलिमिनरी काम करने पड़ते हैं, नहीं करने पड़ते? तो अनडाउटेडली आपको भी ये बात अनुभव में आता होगा कि सेंटेंस अरेंजमेंट और कंप्रिहेंशन दोनों टाइम टेकिंग चीजें हैं, जबकि ये टाइम टेकिंग नहीं है। अगर मैं इस पेपर की बात करूं, तो कंप्रिहेंशन में 7 क्वेश्चन और सेंटेंस अरेंजमेंट में 5, 12 क्वेश्चन है। व्हाई डिडंट यू फर्स्ट सॉल्व द रेस्ट 18 क्वेश्चंस? पहले आप शुरुआत के वो 18 क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करते, जिसमें आपका वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एंड देन जो आपके पास समय एट हैंड है उसमें भी। कंप्रिहेंशन की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि क्वेश्चन नंबर ये अपीजमेंट का सिनोनिम या एंटोनिम, या डेटरेंस का सिनोनिम या एंटोनिम बनाने की जरूरत है, तो इसमें तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा ना। इस पर 7 में से भी 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऑप्शन से है, मतलब वर्ड वर्ड का है। तो आप पहले, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करो जो तुमसे जल्दी बनता हो, और उसके बाद जितना हाथ में टाइम है उसके हिसाब से आप एक सेंटेंस अरेंजमेंट या एक कंप्रिहेंशन, क्योंकि अगर इन दोनों वर्ड्स को मैं हटा दूं, तो 5 क्वेश्चन आप कंप्रिहेंशन में भी, 5 सेंटेंस अरेंजमेंट में। सेंटेंस अरेंजमेंट में एटलीस्ट पहला सेंटेंस चुनना तो आसान होता है ना। तो फिर आप अगर देखो, जितना कैलकुलेशन आप मैथ्स में, रीजनिंग में करते हो, वो कैलकुलेशन आप इंग्लिश में नहीं करते। आप टाइम सेविंग ट्रिक्स जो डेवलप करते हो, दैट यू डेवलप इन इन मैथ्स रीजनिंग, नॉट इन इंग्लिश। मैं अगर तुमको बोलूं कि आपके पास अगर 12 क्वेश्चन कंप्रिहेंशन में था, इफ देर वर 12, तो 12 में से भी 2 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम और कंप्रिहेंशन का, सेंटेंस का पहला सेंटेंस, अगर इनको मैं हटाऊं, तो तुम एक्चुअली जो परेशान हो, इन 9 क्वेश्चन को लेके परेशान हो, 30 में से। आप अगर हकीकत में देखो, तो ये 30 में से आप 9 क्वेश्चन में परेशान हो कि ये कैसे बनेगा, जबकि आपको 21 अगर आप कंफर्टेबल रहते, तो मुझे नहीं लगता कि 9 के बाद में आदमी हल्ला करेगा। अगर आप 30 में से 20 21 में कंफर्टेबल हो, तो डू यू थिंक कि आप ये चिंता करोगे कि मेरे से कंप्रिहेंशन नहीं बना? परेशानी यह है कि आप सेक्शंस को कवर अप नहीं करते। आर यू श्योर दैट तुमने जो कॉमन एरर के 3 क्वेश्चंस बनाए, उसमें तीनों में आप सही थे? आर यू श्योर कि जो आपने क्लोस्टिस के 5 क्वेश्चन बनाए आप सही थे, डबल फिलर्स में आप सही थे? चूंकि आप श्योर नहीं होते हो, इसीलिए ये भी आपको चिंता क्रिएट करता है। आप रियलाइज करो ग्राउंड लेवल पे, अगर आप श्योर रहते ना कि तुम्हारा 17-18 क्वेश्चन अच्छे से बन गया है, तो तुम बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं करते। लेकिन वो जो हम टिक मार रहे हैं ना, वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटी गेस कर रहे हैं, और चूंकि गेस कर रहे हैं, इसीलिए अपने आप को सेव करने के लिए सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल,
जबकि ये टाइम जो आप बच निकाल रहे हो, आप वैसे सेक्शंस का दे रहे हो, मैथ्स का, रीजनिंग का, जहां पे आप सॉल्व करते ना तो सॉल्व होता, वहां पे गेस करने की जरूरत नहीं थी। सो रिजल्ट इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ, सिंपली अ मैटर ऑफ गेटिंग एन अ क्वालिटी, रिजल्ट इज इक्वली अ मैटर ऑफ हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी। प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। तुम्हें स्कोर कहां करना है? आर यू इक्वली वेल इन ऑल द थ्री सेक्शंस? आर यू इक्वली वर्सेटाइल इन मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश? और अगर आप नहीं हो तो आपका सिलेक्शन जिसमें आप वर्से खूब अच्छे हो वहां से होगा, बट यहां से बच के डिस्क्वालिफिकेशन से बचना होगा। और ये चीजें तभी हो सकती हैं जब आप उस, एटलीस्ट इस पेपर में 7 तरह के क्वेश्चन थे, देर वर 7 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कंप्रिहेंशन था, वॉच इट। उसके बाद ये कॉलम मैचिंग था, ये कॉलम आपने प्रॉपरली मैच किया, कॉन्फिडेंटली आपने मैच किया, या आपको लगा कि ये है, मूव कीजिए। देन देर वर थ्री वर्ड्स, टू क्वेश्चंस ऑफ वर्ड स्वाइप्स। ये क्वेश्चन कंपोजिशन में बहुत आसान होता है अगर आप थोड़ा सा रीडिंग प्रॉपरली डेवलप किए हो तो। देन देर वर टू इंप्रूवमेंट्स, आपने टिक किया तो आर यू श्योर, आप एकदम 100% श्योर थे आपका सही था, काउंटिंग करके आगे बढ़ते कि मेरा ये दो बोधा हुआ वर्ड स्वाइप में हुआ, पांच में ये पांचों आपका सही होना चाहिए था कि आप, क्योंकि आप जरा ध्यान दो, हम क्लोजेस में बोलते हैं कि हमारे पास गलती बनता है। मैं बोल रहा हूं कि वर्ड मीनिंग चलते गलती होता है। एक भी वर्ड आपको यहां मुश्किल लगा है क्या? और अभी आंसर हम लोग मैच कर रहे हैं, एक भी वर्ड मुश्किल नहीं है। मैं जिनको ऑप्शंस को सेट कर रहा हूं ना, तो मेरा टारगेट बहुत क्लियर है कि लड़के को वर्ड मीनिंग में परेशान ना करूं, नहीं तो मैं टफ वर्ड दे देता उसके जगह पे, परेशान हो जाते आप। मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं वैसा वर्ड दे रहा हूं जो हमेशा आपके डेली लाइफ का वर्ड है और जिनको आप जानते हो। बट वर यू श्योर दैट इन ऑल फाइव यू आर करेक्ट? मूव सेंटेंस अरेंजमेंट, अनडाउटली मैंने इसको कहा कि सेंटेंस अरेंजमेंट में परेशानी थोड़ी हो सकती है, होती है, होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, बैंक को झूठ का आपका परीक्षा लेना चाहिए, सीधा आपको अपॉइंटमेंट लेटर देते। डबल फिलर, अगर किसी को सेंटेंस अरेंजमेंट में परेशानी नहीं होती है, बैंक को उसको बुला के कम अपॉइंटमेंट लेटर दे देना चाहिए। सिंपल सी बात है, सेंटेंस अरेंजमेंट बनाने में मुझे भी परेशानी होती है, मेरे को भी स्थिरता चाहिए। तुम इसको बोलो, मैं दौड़ता भी रहूं तो मेरे को दिखाओ तो मैं बता दूंगा कि सी वाला आंसर है, नया क्वेश्चन भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन सेंटेंस अरेंजमेंट बेसिकली तुम्हारे रीजनिंग का सिटिंग अरेंजमेंट की तरह होता है, इस चीज से बैठ के बनाना पड़ता है, टफ क्वेश्चन होता है ये तुम्हारा सब, ये ठीक है। देख लो, वर्ड्स मैंने कभी भारी नहीं दिए, मैं देता हूं, मेरे को लगता है कि जाने पहचाने वर्ड के साथ सॉल्व करना, वो क्वेश्चन देना शायद ज्यादा अच्छा आपके एक्वन को टेस्ट करेगा। सिंपल, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी सोच। अब आप, मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आंसर जरा मैच किया जाए। आंसर मैच कीजिए, देखिए। आप देख लें, आप तो इसी का इंतजार कर रहे होंगे।
जस्ट वॉच योर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को आप देखो एंड लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन टू दैट। अगर मेरे को 2 दिन पहले पेपर दे दिया जाए कि इसी में से आएगा, तो मेरा टारगेट तो करीब 25+ होना चाहिए, है? सर एक्सप्लेनेशन की तरफ चलूं, सबका मैचिंग हो गया? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बैक से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब कॉमन एरर से, यहीं से शुरू कर रहा हूं, वापस जाता हूं। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉमन एरर। जो एरर्स होते हैं वो कॉमन है। आप जरा ध्यान दो, दिस वॉज नो एरर और तुमको एरर मिल गया है। मतलब जहां एरर नहीं भी है वहां आप खोज लेते हो, और जहां एरर है वो दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, आपके पास ग्रामर में, अच्छा इस क्वेश्चन को आप रियलाइज करो कि आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। देखो कहां तुम लोग, जो लोग मेरे साथ थोड़ा कभी बैठे नहीं है, कभी हम लोग का डिस्कशन नहीं हुआ है, वो एक चीज रियलाइज करें, एक छोटी सी चीज, कि आप जब, सॉरी, रीडिंग आप तीनों पेपर में करते हो, रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी और इंग्लिश में भी करते हो? नहीं, रीडिंग तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन रीडिंग और रीडिंग तीनों सेक्शन में रीडिंग का पहला पर्पस होता है कि हमको दिया हुआ क्वेश्चन समझ में आए। क्योंकि अगर तुमको मैथ में क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो सॉल्व क्या करोगे, सॉल्व क्या करोगे आप अगर समझ में नहीं आया तो? तो समझना तो बेसिक फैक्टर है, लेकिन परेशानी यह है कि यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, ग्रामर या अंडरस्टैंडिंग। और तुमको भी पता है कि यहां आपसे यह नहीं बोल रहा कि सेंटेंस का मीनिंग बताना है, यह फिलर है या क्लोसेस है, समझने के लिए बोला, इसका ग्रामर चेक करने के लिए बोला है। अब अगर मैं ग्रामर चेक करने का है, तो एज ग्लोबल हेल्थ एक्सपर्ट्स कंटिन्यू टू इंसिस्ट, इतने दूर का ग्रामर आपको क्या समझ में आया? मैंने तो अभी रीडिंग किया, एज ग्लोबल, यहां एज अगर मैं ग्रामर चेक करूं तो ये प्रीपोजिशन है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, हेल्थ एक्सपर्ट्स कंपाउंड नाउन है, ये वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, ये टू भी वन है। ऐसे आप देखते हो ग्रामर के सेंटेंसेस को, क्योंकि आपसे ग्रामर पूछ रहा है ना, तो ग्रामर देखना होगा ना। अगर मीनिंग पूछता तो मीनिंग देखते हैं। लेकिन हम लोगों के पास, तुम जरा देखो मैथ्स के क्वेश्चन में देखो, द मोमेंट तुम मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ते रहते हो, माइंड कुछ और काम करता रहता है, वो चैप्टर सोचता है, वो उस समय में फॉर्मूला सोचता है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, दिमाग कुछ और कर रहा है, आंख संकेत क्वेश्चन पढ़ रहा है, नहीं एक साथ। लेकिन इंग्लिश में आप वहां से शुरू करोगे, आज से यहां तक पहुंचोगे, मन में कोई फितूर चढ़ेगा, टिक मारेंगे और इंतजार करेंगे कि मेरा लड़ा कि नहीं लड़ा। अभी मैं आप लोगों को पता है कि इसमें सी में एरर है। अगर अभी भी मैं पूछूं तो शायद डाउट है कि आप में से कोई बता पाएगा कि सी में क्या एरर है। क्या देखो, मैं अभी बहुत यूट्यूब वाले लोग, आप लोग भी यही बात बोलते जो क्लास का लोग बोल रहे हैं, सो डोंट वरी, तुम्हारी बात मैं सुन रहा हूं। आपने कहा टू मेंटेनिंग, देखो एक छोटा सा डिस्कशन मैं कर रहा हूं। यस, आपका कुछ अलग था, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूंगा,
हमको नहीं आ रहा है कुछ जी। द लेवल एक ही जगह पे द होगा। अच्छा एक एक चीज बताओ, ये यहां पे वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किया गया है? नाउन है या वर्ब है? क्योंकि मैं एक चीज बोल रहा हूं कि टेस्ट नाउन भी होता है और टेस्ट वर्ब भी होता है। यहां पर ये किस पार्ट ऑफ स्पीच में यूज किया गया है? और अगर ये भव है तो उसके पहले का वर्ड एडवर्ब होना चाहिए। भर्ब से जुड़ा हुआ वर्ड एडवर्ब होता है। सो द आंसर इज इट शुड बी पीरियोडिकली, दैट्स इट। लेकिन आपको वो भर्ब नजर आएगा तब आप उसको इसे एडवर्ब को चुनोगे। आप हम लोगों को वो टेस्ट नजर आ रहा वर्ड, जबकि ग्रामर में ये या तो नाउन है नहीं तो वर्ब है। आपको जब तक ये वर्ब नजर नहीं आएगा तब तक आप पीरियोडिकली करोगे भी नहीं। देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, टू मेंटेन अ लेवल ऑफ केयर एंड टू टेस्ट पीरियोडिकली। अब अगर आप टू भी वन लगाते हो ना तो एडवर्ब को आप यहां भी रख सकते हो या एडवर्ब को टू भी वन के बीच में भी रखते हो, जिसको हैंगिंग एडवर्ब, स्प्लिट एडवर्ब कहा जाता है, सॉरी स्प्लिट इंफिनिटिव। हम टू भी वन के बीच में भी एडवर्ब लगा लेते हैं, बट ये टू भी वन है इसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना है। नाउन का पांच भेद होता है ये ग्रामर नहीं है। ग्रामर आपका ये है कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या पार्ट ऑफ स्पीच में यूज हुआ है। आपको सिद्धांत में ग्रामर नहीं पढ़िए पढ़ना, इसीलिए आप सिद्धांत में 10 साल अपने ग्रामर को पढ़ा अपने बचपन से स्कूल से लेके कॉलेज तक, लेकिन वो ग्रामर आपको कॉमनर बनाने में हेल्प नहीं करता, क्योंकि यहां पे आपको कॉमन एरर खोजना है और एरर के लिए हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच चेंज होना चाहिए। जैसे ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ऐसे जब तक नहीं होगा कॉमन एरर कॉन्फिडेंटली नहीं मिलेगा, और अगर एरर नहीं है तो आपको मिल जाएगा। देखिए मिल गया है आपको। अगर डाउट हो किसी वर्ड में कि वो वर्ड यहां कैसे यूज हुआ है, डू आस्क मी एनीबडी। अगर किसी को डाउट हो कि आपने चुना तो होगा बॉस, नो एरर तो नहीं दिया है तो श्योर है। दो ही चीज अच्छा होता है, या तो इस क्वेश्चन को छोड़ना था और नहीं तो नो एरर मारना था। लेकिन नो एरर मारने का मतलब कि यहां से लेके यहां तक का सारे वर्ड का ग्रामर आपको एकदम क्लियर है, और इतना ग्रामर क्लियर हो तो बेकार यहां बैठे हो ना भाई, वो तो नहीं हो सकता ना, दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप ड्रॉप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। किसी वर्ड में आपको अगर डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो कि आपका ये यहां पे कैसे यूज हुआ है। यस चलेगा, दोनों चलेगा, चलेगा। वेन भी हो सकता है, वाइल भी हो सकता है, टाइम बताने के लिए ना। डीलिंग जो वेन वी आर डीलिंग विद द चाइनीज, विद द चाइनीज, जब हम चाइनीज से डील कर रहे हैं, व्हेन वो वही वाला मीनिंग है। यहां पे सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब छुपाया हुआ है, व्हेन भी व्हाइल भी। अब आपने चेंज किया, व्हाइल चेंज किया, बेटर था व्हाइल, बट व्हेन इज नॉट रॉन्ग, व्हेन नॉट रॉन्ग नहीं है। चले मूव कीजिए नेक्स्ट पे। देखो आपने ये फ्रेज पढ़ा होगा, ओ सॉरी गलती से लिखा गया, आपने ये फ्रेज पढ़ा होगा, ले इम्फेसिस ऑन, किसी बात पे जोर डालना। मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को पता होगा ये। यस इसका भी टू और भी थ्री होगा, LAID, और एक होता है नेतृत्व करना, लीड, जिसका भी टू और भी थ्री होता है लेड। मैंने क्या किया, उस लेड के जगह पे ये वाला लेड लिख दिया था। इस ले का भी टू भी थ्री लेड होता है, लीड का भी टू भी थ्री लेड होता है। लेकिन
बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगा अगर ये पता भी होगा तो, क्योंकि लेड आप पढ़ोगे ना तो पता नहीं चलेगा कौन सा लेड पढ़ रहे हैं, ये वाला लेड पढ़ रहे हैं कि ये वाला लेड पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है ना, लेड टू तो होता ही है। अभी 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 चलो सही है, अभी उसका उसका मिलेगा ना आप लोगों को, अभी ये लेड टू है। चलिए अब डबल फिलर आइए जी, किसका बी है देख ले भाई, ये तो यही है, अभी देख लो। डबल फिलर ट्वेंटी फाइव में किसी को डाउट? 26 25 में डाउट है, आपका आंसर क्या है? डी। अच्छा एक बार बताइए, जब आप कॉज लगाते हैं एज अ वर्ब तो कॉज के बाद टू भी लगाते हैं क्या आप एज अ वर्ब? तुम ध्यान दो इस क्वेश्चन में, एक दो तीन चार, और इन चारों का मतलब होता है कारण होना, इन चारों का मतलब होता है, या तो आप कॉज लगाओ अकेला, या लीड टू लिखो, या ट्रिगर लिखो, या रिजल्ट इन लिखो, इन या इन टू, आपको इन चारों में ऐसे यूज करना होगा तब मीनिंग आएगा कारण होना। कॉज और ट्रिगर में नो प्रीपोजिशन, लीड के साथ इन या इन टू, एंड लीड के साथ टू, रिजल्ट के साथ इन या इन टू, सॉरी। अब यहां पे टू लगा था तो पक्का था कि लीड टू होगा, बाकी बचा स्प्रेड रेट्स तो नहीं होगा ना, स्प्रेड तो ऑलरेडी यहां हो चुका। सेकेंड फिलर में आप ध्यान दो तो या तो मोर्टैलिटी होगा नहीं तो फेटैलिटी होगा, मोर्टैलिटी रेट और या फेटैलिटी रेट, दोनों फेटैलिटी भी चलता है, मृत्यु दर के लिए दोनों इस्तेमाल करते हैं, मोर्टैलिटी रेट ज्यादा पॉपुलरली यूज किया जाता है। अब हमने मोर्टैलिटी रेट यहां यूज किया तो अब यहां से देखना था कि इसके साथ टू के साथ कौन सा लगेगा। ये भी आप मीनिंग पढ़ो, बट बहुत बार यहां पे वर्ड का यूज दिया हुआ है, क्योंकि ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है और आम जीवन के वर्ड्स, डिफिकल्ट वर्ड्स के वाले साथ नहीं, आम जीवन का जो वर्ड है। क्वेश्चन नंबर टू देखो, अभी जरा यहां का देखो, मैंने जानबूझ के ऑप्शन ऐसे दिए थे कि अगर आप फर्स्ट फिलर में फिल करना शुरू करो तो आपको करीब करीब सब ठीक लगेगा, खाली कंट्रोवर्सी ठीक नहीं लगेगा, स्ट्रेंथन ठीक नहीं लगेगा, ग्रोथ भी ठीक लगेगा, वीकनेस भी ठीक लगेगा, वल्नरेबिलिटी भी ठीक लगेगा, बट एक चीज दिखा रहा हूं मैं, ये दूसरा सेंटेंस को पढ़ के देखो, इट ऑलवेज हैड अ डैश ऑफ बींग आइसोलेटेड, वो अलग थलग पड़ जाएगा इन ग्लोबल अफेयर्स, इसका क्या? अच्छा स्कोप अच्छी चीज होगा कि बुरी चीजों का? किसी को बोलो मेरे को परीक्षा में फेल होने का स्कोप है, स्कोप बहुत अच्छी चीजों के लिए बोलते हैं, मतलब गुंजाइश है, यहां डर होगा वो ग्लोबल अफेयर्स में अलग थलग पड़ सकता है, और अगर आप सेकंड से जाते ना तो बस एक वर्ड था फियर और कोई नहीं जा रहा है, यहां पे भी थे लगा हुआ है। देखो तो कौन कौन सा वर्ड यहां पे नहीं बैठेगा, इंजॉइंग के साथ विथ नहीं लगता, गिवन के साथ हित नहीं लगता, बाकी तीनों के साथ विथ लगता है, बर्डन के साथ भी, वेस्टेड के साथ भी, अनविथ के साथ, ये लिस्ट के साथ भी। अब जरा देखो द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस बोर्ड के पास ये जिम्मेवारी है, बर्डन नहीं, लिस्ट किसी गुण से भरे हुए हैं, लिस्ट विथ 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 अ क्वालिटी एंड वेस्टेड विथ कोई जिम्मेवारी या अधिकार किसी के पास होने के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट फिलर में बस एक वेस्टेड वर्ड जा रहा था, विथ हालांकि और उसके साथ लगता था, और यहां पे ऑफ लगा हुआ है तो फुल ऑफ या शॉर्ट ऑफ, लैक ऑफ। अब आप देख लीजिए फुल ऑफ या लैक ऑफ,
देख लीजिए तो, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द फिटनेस लाइसेंसिंग एंड सेफ प्रोसीजर ऑफ ऑल टूरिस्ट वेसल्स, इस बोर्ड के पास ये जिम्मेवारी है कि वो सारे का फिटनेस लाइसेंसिंग सेफ ऑपरेशन केरला में देखे, इंक्लूडिंग हाउस बोट बोर्ड, एंड इस भार सब्जेक्ट का भार यहां है द मैरिटाइम बोर्ड इज डैश ऑफ अडिक्वेट मैन पावर टू कैरी आउट इट्स जॉब। उसके पास मैन पावर की कमी है इस जॉब को कैरी आउट करने के लिए। आप भर लो लैक ऑफ, मन करेगा तो, लेकिन देख लो बर्डन विथ। आगे बढ़े जी, विथ लगता है जिम्मेवारी कोई, आपको आइडिया है ना, डीबी एईसी, ये आपका पार्ट था। और ये बहुत, अगर आपने सही बनाया है आपको बधाई है, सिंपल सी बात है। मैं यही बोलता हूं कि जो स्टूडेंट सही बना रहा है ना वो बधाई का पात्र है, लेकिन इसको गलती बना रहा है और ये सही बना रहा है तो मैं बोलूंगा तुक्का मारा है या फिर इसी पे रिसर्च कर रहा है। पैसेज में सेम था, ये गलती कैसे हो सकती है? चलो तो नो डिस्कशन, छोड़ बाकी। नाउ देखो, यू पीपल आर वेरी स्मार्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 19 तक में किसी 15, 17, मैं सब एक्सप्लेन करता हूं उस तक के लोग नहीं पूछ रहे हैं, ऑनलाइन में होगा। देखो एक काम करो तुम, एक एक, एक जरा मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपको, आप लोगों देता हूं, नए लोगों को मैं हमेशा ये बोलता हूं, एक पजल अगर आप बनाते हो जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम देते हो? मतलब मिनिमम कितना टाइम में बन जाता होगा? 2 मिनट मेंस का भी, अगर मेंस का पेपर देखो तो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लोग बोलेंगे बनेगा। तुम्हारे को यहां भी 5 क्वेश्चन है, क्यों भूल जाते हो? तो इतना हड़बड़ी क्यों है? तुम जानते हो क्या करते हो, इसको बना के तुरंत फिनिश कर देना चाहते हो। और मैं बोल रहा हूं कि सही बनाना है, बनाना खाली नहीं है। और सही बनाने के लिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है तो एक एडवाइस ये होता है कि तुम इसको पहली बार में बिना ऑप्शन देके पढ़ लो ना, एटलीस्ट तुमको थॉट तो क्लियर हो जाएगा। पढ़ लो एक बार, और पढ़ने में तुमको बहुत ज्यादा समय लगेगा ना तो 1 मिनट के अंदर ही लगेगा तुमको पढ़ने के लिए। जब तुम रीडिंग कर रहे हो तो 4-5 सेंटेंसेस 1 मिनट में आराम से पढ़ लेगा आदमी, थॉट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा क्या लिखा हुआ है। एंड देन जब आप क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हो तो सिलेक्शन का टारगेट नहीं होना चाहिए, इलिमिनेशन का होना चाहिए। इलिमिनेट करो ऑप्शंस को अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस। लेट्स सी, द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन एक्टिवली डैश इन इट्स डिप्लोमेसी एफर्ट्स। पहला चीज कि यहां पे इन भी लगा हुआ है, तो ऐसा वर्ड डालोगे जिसमें इन, ऐसा वर्ड चुनोगे जिसके साथ इन लगता हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा वर्ड था बट बिना इन के आता, मेक एफर्ट नहीं होता है। इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन एक्टिवली मेकिंग एफर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन एक्टिवली ट्राइंग एफर्ट्स वर्किंग एफर्ट्स पुटिंग एफर्ट्स, अलग हो जाता है लेकिन इन के साथ नहीं लगेगा ना। दूसरा पुट इन का मतलब कुछ अलग होता है, इन्वेस्ट के साथ इन लगता है आराम से, इन्वेस्टिंग इन इट्स एफर्ट्स टू विथ अ फोकस ऑन प्रमोटिंग टूरिज्म थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धिस्ट सर्किट। एडिशनली इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर हैज मेड इट अ पॉइंट टू विजिट बुद्धिस्ट साइट्स ड्यूरिंग द साउथ ईस्ट। उन्होंने, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो इन साइट्स को विजिट करेंगे जब वो साउथ ईस्ट एशिया या एशियन कंट्री में, ईस्ट एशियन कंट्री में जाएंगे। बाई डैश सच अ हाई प्रोफाइल इवेंट, हाई प्रोफाइल इवेंट आप क्या करोगे? यू कैन नॉट होल्ड इवेंट, यू कैन ओनली होस्ट इवेंट्स।
आप जरा देखो, बाई लगा हुआ है, तुम इसको ऑर्गेनाइज पढ़ रहे हो या ऑर्गेनाइज्ड लिखा हुआ है? मैं जानबूझ के वर्ड दिया था क्योंकि ऑर्गेनाइज के साथ इवेंट बड़ा फिट बैठ रहा है, और मेरे को पता था कि बच्चे को यह नहीं दिखाई पड़ेगा, वो पढ़ेगा ऐसे। और प्रीपोजिशन लगा है तो इसके बाद तो भीफोर आता है ना, सिद्धांत में हम पढ़े हुए हैं कि प्रीपोजिशन के बाद भर फोर्थ फॉर्म में आता है, जिरंड आता है, भीतरी आता है। कैसे बाई के बाद भर्ब? मैं बोल दिया बाई के बाद भीतरी, बोलो ना, बाई के पहले भीतरी आ सकता है पैसिव में, बाई के बाद नहीं। मैंगो वाज ईटन बाई राम, इधर आएगा, इधर नहीं। आगे प्रीपोजिशन बाद भर्ब बिफोर में आता है। अब ये जो अगर आपका कभी क्वेश्चन नंबर 17 और 18 गलती हुआ है, तो सिंपल सा मजे की बात ये है कि यहां पे दिया हुआ था टू, और टू के साथ आपके खोपड़ी में चढ़ा होगा भी वन, और यहां पे आएगा भी फोर, क्योंकि कमिटमेंट टू है। और अगर ये छूटा तो यहां भी तो है ना, यहां भी तो आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन जानते हो टू के साथ भी वन इतना बैठा हुआ है ना कि मैं अगर आराम से बूस्ट और कंजर्व दे दूं तो आराम से आदमी चुना होगा, और अगर उधर भी वन चुना तो इधर भी वन चुनेगा। ये सिंपल साइकोलॉजिकली गलती कराया गया है आपसे, आपको यह देखने के लिए कि ग्रामर आप पकड़ के बैठे हो कि नहीं बैठे हो। कमिटमेंट टू, कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, अगर इस टू के बाद अगर भर्ब डालना है तो आईएनजी फॉर्म आएगा। ही हैज द डेडिकेशन टू डूइंग हिज वर्क, टू डू हिज वर्क नहीं, और उसी के चलते दोनों में आईएनजी फॉर्म गया है, और वो आईएनजी आता वो यहां से भी पता चल रहा था। एंड 19 नंबर शेपिंग द, हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बुद्धि लगाना था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हो सकता है कि बन गया हो, एडिटोरियल पढ़ा होगा तो, अगर नहीं ध्यान से पढ़ा होगा तो यहां पे आप ध्यान दीजिए। विथ इट्स स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज टू बुद्धिज्म, इंडिया का हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज जो संबंध है बुद्धिज्म से बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया इज वेल पोजिशन टू प्ले अ लीडिंग रोल इन शेपिंग द डैश अराउंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के चारों तरफ जो ये चीजें हो रही हैं, इस इशू के, बुद्धिस्ट इशू के इन मुद्दों का क्या होगा, चर्चा ही ना, बुद्धिस्ट इशू की क्या करोगे आप, शेपिंग द कैरेक्टर ऑफ इशू, शेपिंग द डायरेक्शन ऑफ इशू। डिस्कोर्स का मतलब होता है डिस्कशंस, नहीं कुछ और दूसरा वर्ड होगा भी दिया गया है, डिस्कोर्स मींस डिस्कशन होता है किसी भी मुद्दे पे, जो उस मुद्दे पे जो डिस्कशन हो रहा है उसको शेप करने का इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन में है। डिबेट, डिबेट नहीं हो सकता ना बुद्धिस्ट पे कि वो सही है बुद्धिस्ट गलत है, डिबेट जब चार आदमी मिलके किसी बात को सही गलत साबित करते हैं, और यहां देखो तो सही गलत तो नहीं हो रहा है ना, डिस्कोर्स वर्ब नहीं है, डिस्कोर्स सिर्फ नाउन है, कोर्स वर्ब और नाउन दोनों है। नाउ ये सही रहा होगा, दोनों कंफर्टेबल लगता है ना, बस मैच कर देना है ऑप्शन को। पहला देखो जरा, सॉरी वरी कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है कि नहीं, नाउन और वर्ब दोनों है, आई डू नॉट वरी,
मैं चिंता नहीं करता, आई हैव नो वरीज, मुझे कोई चिंता नहीं है, दोनों है। अब अगर आप यहां देखो, चाइना डज नॉट हैव वरी, ध्यान से सुन देखना, यहां पे आपने जो ये लिया, क्या ये सीधा वर्ड वैसे ही बैठेगा, चाइना डज नॉट हैव वरी अबाउट पब्लिक अप्रूवल? अच्छा देखो, पहले माइनस करो, ऐसे जाएगा क्या? पब्लिक में भी अपोस्ट्रॉफी लगेगा, पब्लिक खुद एडजेक्टिव है और नाउन है, तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ये गलत, कैंसिल। अच्छा पीपुल अप्रूवल होगा क्या, कि पीपुल्स अप्रूवल होगा? पीपुल अप्रूवल के लिए ऐसे लिखना पड़ता, क्योंकि पीपल नाउन है। पहले माइनस कर लो ना, मैं यहां पे बी नंबर को काट दे रहा हूं, जो बच जाएगा वो देखा जाएगा हम लोगों के पास। अब आपके पास ए और सॉरी ई और डी में से एक चुनना है। चाइना डज नॉट हैव टू वरी अबाउट पब्लिक अप्रूवल एंड चाइना डज नॉट हैव वरी। वरी कभी सिंगुलर में इस्तेमाल नहीं किया जाता, नो वरीज बोलते हैं, नो वरीज, कोई भी चिंता की बात नहीं है। अगर यहां पे वरीज होता ना, तो ऑप्शन नंबर ई को आप चुन सकते थे। इलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। और सीधा ऑप्शन को मैच करो आपस में, देखो जरा, टू लाउड एंड प्राउड रेजिंग, टू लाउडली एंड प्राउडली रेज, टू के साथ भीवन लगा है, टू के साथ भीवन लगा है, ऑफ के साथ भीवन लगा है। तुमको यहां पे भी अभी ध्यान देना, यहां पे मत देखो अभी, अभी देखोगे परेशान हो गए। तुम पहले देखो, इस टू के बाद भी फोर लगा है, दिखाई पड़ा है? मैं दिखाई पड़ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? देखो आप लोगों को पढ़ने का इतना वो क्या बोलता हूं मैं, जड़ टाइप का है ना, मतलब कोई हिलने उलने वाला नहीं है, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूं कि आंसर बनाना है ना, देखो जरा, मैं इसको हटाऊं फिलहाल, तो आप जरा देखो तो कि टू के बाद यहां भी हटा दो, यहां पे ऑफ के बाद भीवन लगा हुआ है, कट लें, यहां पे टू के बाद आईएनजी लगा हुआ है, अपॉर्चुनिटी के बाद टू आईएनजी लगता है, आई हैव अपॉर्चुनिटी टू डू दिस ना, ये कट लें, यहां पे टू के बाद आईएनजी लगा है, ये कट लें। अब बाकी बचा अपॉर्चुनिटी के साथ, एक एक यहां पे राइजिंग और एक में रेजिंग, राइजिंग या रेजिंग, राइजिंग मैटर कि रेज मैटर, किसी मुद्दे पे आवाज उठाना। हम लोग जानते हो क्वेश्चन बनाने में, अगर आपको प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं पढ़ी हुई है ना, तो आपका मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अभी देखो तो कितना आसान लग रहा होगा, टू भी वन देखना है, टू 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 भी फोर देखना है, टू भी फोर काट देना था, काट दिए तो अधिकतर ऑप्शन कट गया, बस दो बचा, और राइज और रेज में से कौन सा होगा तुम भी जानते हो, तो टपक से बन जाता, बट मेंटली ऐसे करना होगा और ऐसे ही आपको डेवलप करना होगा। और ये देखो, ये ग्रामर सिद्धांत में पढ़ने से नहीं आएगा, मैं बोलूंगी टेंस 3 प्रकार का होता है, कोई मतलब नहीं है इसको, ये बुद्धि आपको प्रैक्टिकल है, ये वो ग्रामर जो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करता है, वो एकदम अलग चीज होती है एज कंपेयर टू द ग्रामर जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। क्लास का ग्रामर और क्वेश्चन बनाने वाला ग्रामर एकदम अलग अलग है। क्लास में नंबर, पर्सन, केस, जेंडर पढ़ते हैं, क्या मतलब है उसका, लेके गूज का गीज होता है, गूज गीज का है कहीं कर रहे हैं। चलिए यहां आते हैं, ये तो सही था ना, मैंने आई डोंट थिंक कि मेरे को दोनों में से किसी को डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। अब कोशिश करूंगा कि अगली बार नहीं बनने दूं, चेतावनी। हाँ आप लोग भी हट जाओ ना, तू तू दो ना, हम बना देते हैं ना, यही जिद रहता है तो अच्छा है। देखो
इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा, चूंकि ये नया है, तो देखो कभी मैं हमेशा एक एक, एक चीज मानता हूं, कुछ एक्सप्लेनेशन मैं कर पाता हूं इसी कारण से कि मेरे दिमाग में एक बात है कि अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसका हाउ टू सॉल्व भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कोई क्वेश्चन जिसके बनाने का कोई तरीका नहीं, आपको छोड़ दिया जाए, पढ़ लो समझ लो बना लो, कुछ ना कुछ तो होगा ना भाई। तुम कैसे बना रहे हो, तुम्हारा ये क्वेश्चन आ सकता है मन में कि तुम कैसे बना रहे हो, वो प्रोसेस बताओ, और मैं वही प्रोसेस बता रहा हूं आपको। ये देखो दो सेंटेंस मिलके, अब जब दोनों जुड़ेगा तो एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है, और सेंटेंस का अपना स्ट्रक्चर होता है, आधा यहां दिया हुआ है और आधा यहां दिया हुआ है, डन। अब तुम अगर गलत वाले को देखो तो तुम्हारे को कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया। तुम ए को ई के साथ पढ़ के देखो, देखो जरा, इट हैज नो इन्फोर्समेंट विंग टू कीप अ टैब टुडे री इन्फोर्सिंग। एक तो आपने यहां लिखा टैब नाउन, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये टुडे री इन्फोर्सिंग इट्स बॉर्डर डिफेंसेज एंड बिल्डिंग रोड्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द इंडियन साइड, जब देखो तो तुम किसका कोई कनेक्शन बैठ रहा है, एक तो मीनिंग है दूसरा ग्रामर है। तुम अगर सी नंबर को देखो तो सी से ई का कनेक्शन हो सकता है। देखो द ओनली डिफरेंस 6 years लेटर अपियर्स टू बी दैट द इंडियन गवर्नमेंट, बस यहां पे अगर हम इज लगा देना तो ऑप्शन नंबर सी और ई रेडी है, और यहां दिया हुआ था, रिपीट हो गया है, ध्यान रखूंगा मैं। देख लो ए नंबर का, देखो यहां पे ए को डी के साथ जरा मैच करके देखो, सेम सेंटेंस है यहां का, बस एक इज गैप था। और वो क्वेश्चन जब देता है ना तो बहुत बार ऐसा होता है कि थॉट मैच कर रहा है, ग्रामर गड़बड़ है, और कभी कभी थॉट ही नहीं मैच कर रहा है। अब तुम्हारे ए के साथ यहां पे इन्फोर्समेंट विंग लिखा हुआ है, जब हम चीजों को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर होता है ना, और उसके साथ ई का कोई कनेक्शन है ही नहीं, लेकिन तुम बी और डी को देखो, ओवर द मंथ्स लीडिंग अप टू द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट के पहले का जो महीने थे, वेरियस एक्सपर्ट्स विथ WHO, इन WHO नहीं, अच्छा यहां पे इन डालने से कोई मीनिंग में अंतर पड़ेगा कि सही है, वही रहेगा, इन WHO और विथ WHO। इन WHO का मतलब वो WHO में वो काम करते हूं, जॉब कर रहे हैं, और विथ WHO वो WHO से जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि वहां पे WHO ने उनको जॉब नहीं दे रखा है। बहुत सारे एक्सपर्ट जो WHO के साथ थे, वे आर लेइंग द ग्राउंड अर्जिंग दैट इट वाज टाइम टू ट्रीट कोविड लाइक अ सीजनल इन्फ्लुएंजा। जो WHO में के साथ जुड़े हुए जो एक्सपर्ट थे वो बोल रहे थे कि अब कोविड को सीजनल इन्फ्लुएंजा की तरह टेस्ट चेक करो, नॉट दैट कि ये कोई रोग है। नाइन नंबर, तीनों का तीनों बैठ रहा है, जरा देख लीजिएगा, इसमें तीनों था ना शायद कि दो था, नौ और दस, एक मिनट, नौ का सी, दस का ही, नौ का सी, चलिए देखिएगा, नाइन का यहां पे आंसर सी है, AD और CF है। तुम B को जरा किसके साथ, B को एक के साथ जरा बैठाई, तो व्हाइल कंजंक्शन डिज में प्रिपेयर इंडिया बेटर टू रिसीव द पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्वीप इनटू इंडिया, एक एक दे दिया, उसके बाद तुम किसको रखोगे, यहां पर तो कोई भर्ब भी नहीं है, यहां पे कोई भर्ब नहीं है, कोई भर्ब है, और आप जरा देखिएगा आपके एफ नंबर में देयर के, ध्यान से देखना, अगर अगर ग्रामर तुम लोग थोड़ा पढ़े हो तो, देयर के पहले कैन लगा है, मतलब यहां रूल ऑफ इन्वर्सन काम कर रहा है, और इन्वर्सन के लिए काम कराने के लिए ओनली प्लस एडवर्ब या प्रीपोजिशन आता है तो तुम्हारा इन्वर्सन होता है, ओनली प्लस लगा हुआ है
तुम्हारा इन्वर्सन जाएगा। और 10 नंबर में तीनों का मैच कर रहा था। जी सर, सी और 10 नंबर में सी और देखो, मतलब आप ये बोल रहे हो, ये बोल रहे हो ना, देखो जरा, इंडिया रिकॉग्नाइजेज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म एज अ मीन्स ऑफ कंडक्टिंग पब्लिक डिप्लोमेसी। देखो एकदम इंडिपेंडेंट एक सेंटेंस दे दिया, दिया ना, कंप्लीट सी नंबर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। एंड हैज यूटिलाइज्ड मीन्स यहां पे इंडिया रख लो, हैज यूटिलाइज का मतलब वहां पे इंडिया को हमने छुपा दिया है। एक ही सेंटेंस में दो बार इंडिया को क्यों रिपीट करना? इसमें किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आप लोगों को? आई डोंट थिंक मच। 4 नंबर, अच्छा डिटरेंस, एक काम कीजिएगा जरा, डिटरेंस का मतलब यहां देखिए। तो देखो क्या गड़बड़ हुआ है ना, कि इस सेंटेंस, इस पैराग्राफ को जब मैं पढ़ रहा था तो देर वेर अ फ्यू सेंटेंसेस दैट वेर सीरियस, उसमें से एक सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये जहां से मैंने डिटरेंस लिया है ना, ये सेंटेंस का मीनिंग बहुत क्लियर था आपको। जब देखो तो डिटरेंस वाले सेंटेंस का मीनिंग एकदम स्पष्ट था आपका, एकदम इजी इजी। वो बड़ा टफ टाइप का मीनिंग लिखा हुआ था, देखिएगा। अनदर बॉर्डर स्कर्मिश इन दिसंबर 2022 इन तवांग एरिया, तवांग में फिर से एक बार झड़प हुआ इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच दिसंबर में। और यह दिखाता है कि व्हाट एवर पॉलिसी द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज मास्किंग विथ इट्स, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो जो भी पॉलिसी अपना के अपना एनोडाइन स्टेटमेंट जो देता है, एनोडाइन स्टेटमेंट का मतलब हम कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो किसी को बुरा ना लगे। हम इस मतलब क्या बोलता हूं कि जैसे होता है ना कि हम इस कार्यवाही की घोर निंदा करते हैं, कभी क्यों नहीं बोलता मिनिस्ट्री वाले मिनिस्टर में, मेरे को समझ में आता तुम खाली निंदा करके क्या कर रहे हो, उसको गाली गलौज करोगे डायरेक्ट डायरेक्ट? घोर निंदा का मतलब उसको, हाँ भाई आप करते रहिए, हम फिर से मारामारी करेंगे। तो ये फॉरेन अफेयर्स की जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है वो अपने एनोडाइन स्टेटमेंट को जो दे रहा है उसका मास्क लगा के जो बोल रहा है, वो जो स्टेटमेंट्स है इट इज नॉट इंश्योरिंग डिटरेंस। ये उसका जो स्टेटमेंट डिटरेंस को इंश्योर नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, डेटरेंस इज अ वर्ड दैट हैज बीन मेड फ्रॉम डेटर, और डेटर का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से हतोत्साहित करना कि दोबारा वो काम न करे, डिस्करेज के सेंस में, डिसुएड के सेंस में। मिनिस्ट्री कुछ भी कर रहा है इससे डेटरेंस नहीं हो रहा है, मतलब चाइना अपने कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा है, वो करने से रुक नहीं रहा, वो कर रहा है ऑलरेडी। और ऑप्शन देख लो, फर्दरेंस मतलब फर्दर भर भी है उसको बढ़ावा देना, एक एक का मतलब हो गया रोकना और फर्दरेंस का मतलब बढ़ावा देना। अपीजमेंट चाइना को खुश करने का। देखिए डिस्कशन हम लोग किए, एक था कि आप लोगों के पास, जैसे हम लोगों का तो एक पार्ट है ना कि हम लोग रोज डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए, डिस्कशन इसके लिए, प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए, कहां पे समस्या है रीडिंग में, वर्ड्स में, वेयर वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। मैं अगले वीक भी बस, ये अब एक रेगुलर फीचर रह गया, ये कंटिन्यू करेगा। पार्डन, टाइटल, अच्छा टाइटल जरा एक एक बात सोचो। अच्छा पूरा का पूरा पैसेज में क्या लिखा हुआ था चाइना इंडिया के बारे में, क्या कि चाइना के लोग का नाक चपटा होता, क्या लिखा हुआ था, मतलब लिखा हुआ क्या था वो बताओ। इंडिया का पूरा क्रिटिसिज्म था,
कि चाइना अपना काम कर रहा है और इंडिया के जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है अपने इमेज को लेके इतना सचेत है कि लोग उसको कमजोर ना माने, कि उसने पेट्रोलिंग एरियाज को बंद भी कर दिया, तभी आप बोल रहे हैं कि भारत ने कोई एरिया नहीं दिया है। मोदी यही बोल रहे हैं ना, ये पूरा बोल रहा है कि चाइना अपना एक्शन ले रहा है, वो भड़काऊ काम कर रहा है और हम लोग एनोडाइन स्टेटमेंट्स में पड़े हुए हैं। अब काहे को, कारण ऑलरेडी दिया हुआ था, देखो जरा बहुत अच्छे से दिया हुआ था कारण। डर क्यों है यहां पे देखो, ये आपका पूरा का पूरा ये चीज का लिखा हुआ था कि डर क्यों, आखिर प्रेजेंट गवर्नमेंट को किस बात का डर है और बात का डर क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा जरा। देर आर आर्ग्यूएबली सेवरल फैक्टर्स दैट हैव पॉसिबली लेड टू इंडियाज एवर्सन। इंडिया बहुत रेडी नहीं है कि चाइना को गाली गलौज करे, मतलब आलोचना करे। इंडिया बहुत रेडी नहीं है। हैपीमोन जैकब ने बहुत सारे फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं। पहला फैक्टर यह था कि दोनों के बीच पावर डिफरेंशियल, दोनों के ताकत में बहुत अंतर है, पहला। दूसरा, अनसर्टेनिटी अबाउट द स्टडी के एक्शन ऑफ मेजर पावर्स। अगर इंडिया चाइना का युद्ध होगा तो यूएस किसका पक्ष लेगा, अब यह भी क्लियर नहीं है। इंडिया को फंस जाएंगे हम, मारामारी कर लेंगे, चढ़ा देगा हमको और अपने निकल जाएगा। इन द केस ऑफ मिलिट्री स्टैंड ऑफ, अगर केस हुआ तो यूएस किसका पक्ष लेगा, इंडिया इज नॉट सर्टेन। तीसरा, द मिलिट्री कैपेबिलिटी डिफरेंस बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों देशों के मिलिट्री में भी बहुत अंतर है। इंडिया अभी चाइना के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध के लिए तैयार नहीं है। वो टीवी पे आके लोग बोल ले अलग बात है, ये हकीकत, न्यूज़पेपर की बातें हकीकत वाली। प्रेशर फ्रॉम इंडियन बिजनेस, और इंडिया का जितना बिजनेस कम्युनिटी है वो प्रेशर डाल रहा है कि इंडिया के व्यापार को बचाना है, क्योंकि चाइना के साथ व्यापार 100 बिलियन डॉलर से ऊपर का क्रॉस कर गया है, तो व्यापार भी डिस्टर्ब होगा, तो इंडियन बिजनेस कम्युनिटी भी डाल रही है। लैक ऑफ कंसेंसस, आपस में सहमति की कमी है बहुत सारे मिनिस्ट्रीज में कि किस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाए चाइना के खतरे के लिए, कैसा रिस्पॉन्स दिया जाए। एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, हमारे यहां पॉलिटिकल विल की भी कमी है, एक ऐसे हाइपर नेशनलिस्ट इमेज कंसर्स भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, जिसमें मोदी जी अपने आप को कमजोर दिखाना नहीं चाहते, नॉट टू अपियर वीक, स्पेशली जस्ट इन एडवांस ऑफ अभी 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाला है, उसके पहले अपने को कमजोर दिखाना नहीं चाहते। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये सब हड़प करके बैठ गया है तो फिर बोल नहीं पाएंगे। आप जरा देखिए, कौन सा ऐसा फैक्टर है, नॉट अ फैक्टर, नॉट, गड़बड़ यहां हुआ है जी, सिक्स सिक्स में दिया हुआ है, गवर्नमेंट के इज इनइफेक्टिव, गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो प्रूव कर इनइफेक्टिव है चाइना को रोकने के लिए। चाइना को रोकने के लिए गवर्नमेंट का अप्रोच इनइफेक्टिव है, ये किस बात से साबित होता है, किस तरीके से, कि गवर्नमेंट का अप्रोच बहुत प्रभावी नहीं है। चाइना लगातार एग्रेशन का काम कर रहा है, बस यही तो होना चाहिए था। आंसर इज ये लोगे, नहीं ये तो एक कारण है तुम्हारा, ये तो छोटा सा एक कॉज है, इसके चलते बता रहा है कि उसने अरुणाचल प्रदेश का वो अपने यहां नाम रख रहा है, थोड़े अरुणाचल के लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। तुम ध्यान दो, इंडियन टेरिटरी को जो उसने जहां पे ब्लॉक कर रखा है वो बता रहा है कि चाइना को रोक नहीं पा रहे हैं हम लोग। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश का नाम अगर हम उसने किया, हम आज बिहार के लोग चाइना के 10 शहर का नाम रख लेते हैं और छाप देते हैं न्यूज़पेपर में कि उसका उसका बीजिंग का नाम भुवनेश्वर गंज होगा,
मतलब ये एग्रेशन का काम है। एग्रेशन का काम जब हमारे एरियाज में या बफर जोन में आप कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एग्रेशन का काम। डन। देखिए अच्छा लगता है जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, और देखो एक चीज, कंप्रिहेंशन पे डिस्कशन करना आप लोग करते हो सीरियसली, लड़ाई करते हो कंप्रिहेंशन में, ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों होगा, ऐसा वाला क्यों गलत है। जिस दिन कंप्रिहेंशन और सेंटेंस में डिस्कशन करने लगो ना, समझो कि तैयारी का डायरेक्शन बहुत सही है। हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट और कंप्रिहेंशन में बस ठीक है, मैच हो गया ना, हो गया काम खत्म, ये गड़बड़ है ना। क्वेश्चन है तो डिस्कशन होना चाहिए। आप आता हूं मैं, चलो हम लोग कुछ किसी को पूछना होगा तो ऑफिस में आ जाएगा, बहुत सारे लोग गर्मी से पीड़ित हैं, आई नो। हम लोग इस बार का टाइम थोड़ा सा ऑफलाइन का मिसमैनेज हो गया था। आई विल टेक केयर कि ये अभी मैं बाकी लोगों को जाने को छोड़ देता हूँ, ऑनलाइन वाला काम खत्म कर लेता हूँ, और आप लोग जो ऑफलाइन में हैं उनसे मैं बात कर लेता हूँ। अगले क्लास से मैं प्रॉपरली टाइम का रहेगा, एंड पेपर भी आपके लेवल, आपके मन लायक था पेपर, थोड़ा और ऊपर चलें, बनाया जा सकता है। चलिए मिलते हैं फिर। यूट्यूब वाले लोग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू बहुत सबको।